हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है कॉम ट्यूटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सेल सीट के कम और ज्यादा डाटा को प्रिंट करना सीखेंगे। एक्चुअली में इस टॉपिक के लिए मुझे मेरी एक वीडियो पर कमेंट आया था। मिस शोभा वासवानी जी जानना चाहती थी कि एक्सेल का प्रिंट पेज कैसे निकाला जाता है और प्रिंट पेज के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे किया जाता है। तो इसलिए आज हम एक्सेल सीट का प्रिंट करना सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं कॉम्प्यूटर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखने वाले इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल पे क्लिक करना ना भूले। यहां से आपको सारे नोटिफिकेशन जो भी इस चैनल से आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे, तो इस बेल पे क्लिक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये है हमारा डाटा, कम डाटा मैंने लिया है फर्स्ट में, और सेकेंड में है ये ज्यादा डाटा है कुछ। पहले हम इस कम डाटा को देख लेते हैं। ये कम डाटा देखिए, कुछ यूजर्स को परेशानी आती है कि वो अपने डाटा को एक पेज में फिट नहीं कर पाते हैं। अभी देखिए, अभी अगर प्रिंट प्रीव्यू दूँ, कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू आता है, ये शॉर्टकट याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज है। तो देखिए, अभी day 3 तक का मेरा डाटा मेरे को दिखाई दे रहा है, जबकि मेरे पास day 4 तक का डाटा है, तो एक पेज में ये अभी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम कुछ सेटिंग्स चेंज करेंगे। सबसे पहले मार्जिन, उसके बाद ओरिएंटेशन, फिर साइज, और उसके बाद है प्रिंट एरिया। इन चार चीज़ों को हमें ध्यान में रखना प्रिंट करते हुए। तो मार्जिन हम चेक कर लेते हैं। मार्जिन हम जितना कम हो सके उतना कम हमें रखना है। तो मार्जिन पर क्लिक करके हमें कस्टम मार्जिन में जाना है, और यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और मार्जिन वाले टैब में आपको यहाँ देखना है कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का मार्जिन क्या है। ये मार्जिन जितना कम हो सके उतना कम आपको रखना है। जैसे टॉप का भी 75 है, मैं इसको 25 कर देता हूँ, 0.25। लेफ्ट का भी 0.25, सेम चीज़ हम राइट के साथ भी करेंगे 0.25, और बॉटम भी 0.25। ये कर दिया। हेडर फुटर एज यू विश, अगर आप रखना चाहते हैं तो रखिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। यहाँ हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे ताकि आपका डाटा सेंटर में बना रहे पेज के। ये सब हो गया, ओके कर देंगे। तो देखिए, प्रिंट का सिलेक्शन day 3 से day 4 पे आ गया है। अब हम चेक करेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आपको खड़े पेज में प्रिंट मिलेगा, और लैंडस्केप में आपको लेटे हुए पेज में प्रिंट मिलेगा। तो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद है साइज। साइज देखिए, बाय डिफॉल्ट लेटर सेलेक्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना है आपको A4 साइज करना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रिंट जो है वो A4 पेज पर ही होता है, तो आपको A4 सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। जो डाटा आप पहले प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से कुछ रो का डाटा ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप सेट प्रिंट एरिया में क्लिक करके सिर्फ उतने ही डाटा को प्रिंट कर सकते हैं जितना आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे डॉट डॉट से लाइन बन जाएगी और यही डाटा आपका प्रिंट होगा। अगर आप कंट्रोल F2 से दोबारा कमांड देते हैं तो देखिए, वही डाटा आपका आएगा जितना आपने सेट किया है, बाकी का डाटा नहीं आएगा। इस चीज़ को फिर से क्लियर कर सकते हैं आप क्लियर प्रिंट डाटा से। तो अभी अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए, अभी ये पूरा एक पेज पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ सीखने की है। देखिए, यहाँ पे पहले पेज पे हेडिंग्स आ रही हैं, अगर मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ तो यहाँ पे हेडिंग्स नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे भी अगर हमें हेडिंग्स चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है वो देखिए। उसके लिए आपको जो डाटा है वहाँ जाना है, और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स का, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे थर्ड रो है रो टू रिपीट एट टॉप, इसके बॉक्स में क्लिक कीजिए। उसके बाद कोई जो रो आप देना चाहते हैं हर पेज के टॉप पे वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये 1 1, यानी 1 रो आपने सेलेक्ट कर लिया है, और ओके कर दीजिए। अब ये रो सारे प्रिंट्स में आएगी। देखिए, मैं दिखाता हूँ कंट्रोल F2 से, ये पहला पेज, नेक्स्ट करूँगा दूसरे पेज में भी आ गया, नेक्स्ट करूँगा थर्ड पेज है, नेक्स्ट करूँगा तो ये फोर्थ पेज, यानी सारे पेज में वो हेडिंग जो हैं वो आ चुकी हैं। तो इस तरीके से ये हेडिंग हम सब पेज में डाल सकते हैं। ये तो था कम का डाटा। तो अभी हम चलते हैं अपने ज़्यादा डाटा की ओर। तो यहाँ पे आपको प्रिंट करते हुए कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अभी अगर मैं आपको कंट्रोल F2 दबा के दिखाऊँ तो देखिए, हमारा डाटा जो है वो एक पेज में तो है, बट पूरा एक डाटा एक पेज में नहीं है। टीम तक का डाटा एक पेज में है, और हमारा डाटा फोन नंबर तक है, यानी ये 3 कॉलम्स अभी भी रह जाते हैं। तो इनको भी इस पेज में लाने के लिए हमें वही सेम चीज, आपको मार्जिन वगैरह सब चेक करने होंगे। उसके लिए मैं कंट्रोल F2 कमांड देता हूँ, और यहाँ से पेज सेटअप चुन लेता हूँ,
और यहाँ पे चार टैब ऊपर दिए हुए हैं, पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर और सीट। तो आपको पेज से स्टार्ट करना है। पेज आपका पोर्ट्रेट है, एडजस्ट टू 110%, इसको आप 100% करते हैं। ये होता है पेज इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला ऑप्शन जो पूछा गया था वीडियो में मेरे। यहाँ से आप पेज के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसको कम कर देते हैं, 85 या 70 कर देते हैं, तो देखिए वो डाटा और छोटा होके इस पेज में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर आप फिट टू वन पेज कर देते हैं तो भी ये इसमें फिट हो जाएगा, लेकिन वो सारा डाटा इसमें फिट होगा, जितनी भी रो होंगी वो सब। इसलिए उससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको एडजस्ट कर लीजिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग, इंक्रीज और डिक्रीज कर लीजिए। यहाँ से पेज साइज आप ले लीजिए, जैसे मैंने बताया A4 होता है। उसके बाद मार्जिन में मार्जिन आप कम कर दीजिए, जो हमने रखे थे 0.25 वही मार्जिन आप रखिए यहाँ पे सबके लिए। ये हो गया, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दीजिए ताकि डेटा हमारा सेंटर में आ जाए। और सबसे मेन चीज़ है सीट। देखिए अभी जो हमारा डेटा है वो ऊपर से नीचे की ओर बना हुआ है, ना कि लेफ्ट से राइट की ओर। तो इसको हमें डाउन देन ओवर करना होगा, यानी कि पहले ऊपर वाली सीट का प्रिंट होगा, उसके बाद नीचे वाली सीट का, देन वो राइट जाएगा, फिर उसके नीचे वाली सीट का प्रिंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब इसको भी हम ओके कर देते हैं। देखिए हमारा डाटा यहाँ फिट हो चुका है। नेक्स्ट पेज, ये यहाँ पे भी अभी हेडिंग नहीं है, तो जैसे मैंने बताया आप वहाँ से हेडिंग ला सकते हैं यहाँ पे टॉप पे। इस तरीके से डाटा हमारा फिट हो गया यहाँ एक पेज में। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो में पूरी तरह से प्रिंट करना सीख गए होंगे। अगर आप भी चाहते हैं मैं आपके दिए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।